के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं है के जिए जाते हैं। और कौन बोलता है, क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जा सजा कम तो नहीं है के जिए जाते हैं। और इस राउंड में सबसे पहले हमारे बीच में तशरीफ ला रही हैं रंजना भट्टाचार्य और डॉक्टर बशीर बद्र की एक बहुत ही मशहूर और मकबूल गजल है, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे जी हाँ। कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे जी। याद है आपको या। तो हमें जरा एक जो मतला है वो ओरिजिनल कॉर्ड्स पे गा के सुनाएंगे प्लीज। हाँ जी। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। और आपको कौन मिलता है, सही जगह से उठाया है। बिल्कुल सही इन्होंने उठाया है जी। और ये पास है इस राउंड में। क्या बात, रंजना जी जोरदार ताली हो जाए रंजना जी के लिए। नाज़रीन, इस मकबूल गजल को सुरों से सजाया जग्गी सिंह साहब ने और गाया जग्गी सिंह साहब और चित्रा सिंह जी ने। और अब मैं दावत देने जा रहा हूँ कैलाश जोशी को। शाम गम जब बिखर गई होगी, बड़ी मकबूल गजल है, याद है आपको जी। एक मुखड़ा हमें पहले ओरिजिनल कॉर्ड पे सुनाइए। शाम गम
जब बिखर गई होगी शाम हम, जब बिखर गई होगी जाने किस किस के घर गई होगी शाम हम। और आपको कॉर्ड मिलता है शामे गम, जब बिखर गई होगी शामे गम, जब बिखर गई होगी जाने किस किस के घर गई होगी, जब बिखर गई होगी। तेरी पल भर दोस्ती मोहसिन, तेरी पल भर की दोस्ती मोहसिन, उसको बदनाम कर गई होगी शाम हम, जब बिखर गई होगी जाने किस किस के घर गई होगी, जब बिखर गई होगी। हाँ साहब, कैलाश ने क्या कॉर्ड राउंड के साथ इंसाफ किया है? पूरा इंसाफ किया है कैलाश जी ने, कैलाश जोशी। बहुत खूब, बहुत जोरदार तालियां कैलाश के लिए। नाज़रीन, इस यादगार और रूदार कंपोजिशन को कंपोज किया गुलाम अली साहब ने और गाया भी गुलाम अली साहब ने। अब मैं आवाज देने जा रहा हूं मुंबई की मौशमी को, रंजीश ही दिल ही दुखाने के लिए। बड़ी मकबूल गजल है जो कि खास और आम दोनों में बहुत ही मकबूल है जी। उसका एक जो मतला है वो ओरिजिनल कॉर्ड पे हमें गा के सुनाइए पहले। रंजीश आपको कॉर्ड मिलता है रंजीश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजीश सही, दिल ही दुखाने के I'm not afraid.
खान साहब मौसमी के लिए और बेहतर कर सकते हैं। राउंड तो क्लियर नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने गाया अच्छा है। जी जी, पहले कॉर्ड राउंड में पहले सुन ले सुर क्या है। जी जी जी, फिर शुरू करें तो कभी गलती नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि सुर को पहले देखना चाहिए कि क्या मिला है हमें। थोड़ी जल्दी कर जाते हैं इसलिए, हालांकि सुर जानते हैं वो लोग। जी जी, लेकिन वो घबराहट में जी जल्दी में अच्छा गाया। लेकिन एक राउंड इनके पास और है, उसमें पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बेहतर कर सकती हैं आगे। नाज़रीन, ये गज़ल लिखी उर्दू अदब के जदीद शायर अहमद फराज ने, और अब मैं दावत देने जा रहा हूँ पूना के राजेश को। गुलाम अली साहब की गाई हुई एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊँगा। याद है आपको? याद है। उसका एक मतलब जरा हमें गा के सुनाइए ओरिजिनल कॉर्ड्स पे। तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊंगा, तू परेशान हो। और आपको कॉर्ड मिलता है, तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊंगा, तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊंगा, मैं हूँ जो काटे पूछे से गुजर जाऊंगा, तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊंगा, तू परेशान हो। बहते हुए दरिया की तरह, यूं तो मैं हूँ किसी बहते हुए दरिया की तरह, तू अगर मुझको पुकारेगा ठहर जाऊंगा, तू परेशान हो एक पल में बिखर जाऊंगा, मैं हूँ जो काटे कूचे से गुजर जाऊंगा, तू परेशान हो। बहुत बिल्कुल सही, सही बिल्कुल कॉर्ड पकड़े हैं वो, और सही बिल्कुल। जोरदार तालियां राजेश के लिए। नाज़रीन, राजेश की गाई इस गज़ल के साथ ही हमारे इब्तदाई मुकाबले का दूसरा राउंड यानी कि कॉर्ड राउंड यहीं ख़त्म होता है, और इससे पहले